DSSB न्यू एंड बिग रिक्रूटमेंट 2023। हाँ जी दोस्तों, DSSB की तरफ से नई और बड़ी सरकारी भर्ती आई हुई है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ही इनकी शुरू हो गई है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मार्च 2023। हाँ जी दोस्तों, आज 9 मार्च है और आज से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 7/4/2023, 7 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी आपको बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड कराई जाएगी। कहाँ कैसे जाके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, DSSBOnline.NIC.in। यहीं पे आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, करंट वैकेंसीज के सेक्शन पे आपको काफी सारी पोस्ट यहाँ दिखाई देंगी जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड की सहायता से साइन इन करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और पहले से आप किसी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो क्लिक हियर टू साइन इन, साइन इन करके आप आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान है पर पासवर्ड आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा और फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। पदों के विवरण की जहां तक बात है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बाकी जिस दिन ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, 24 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। तो यहां आप पदों का विवरण देखेंगे तो इंस्ट्रक्टर मिड लाइट की 7 वैकेंसियां हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की 2 वैकेंसी है, मैकेनिक मेंटेनेंस मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC STC NAC होल्डर की 4 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 5 है। इसी तरह से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल फॉर NTC STC NAC होल्डर की 11 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल की 19 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 5 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर फॉर NTC STC NAC होल्डर की 13 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन NTC STC NAC होल्डर की 11 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 7 वैकेंसियां आई हुई हैं और ये ग्रेड पे दिया गया है, ग्रुप बी की ये वैकेंसियां हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप यहां से देख सकते हैं। इसी तरह से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन NTC STC NAC की 9 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर के 7 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 9 और 5 वैकेंसियां आई हुई हैं, टर्नर की भी 12 4 वैकेंसियां यहां है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 8 और 3 11 टोटल 11 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विमिंग टेक्नोलॉजी की 1 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए 7 है, इसी तरह से वेल्डर की 8 है और फूड प्रोडक्शन जर्नल की 3 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 1 वैकेंसी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक NTC STC NAC होल्डर की 6 है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 2 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट NTC STC NAC होल्डर की 5 है और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल NTC STC NAC होल्डर की 5 वैकेंसियां यहां आई हुई हैं और डिग्री डिप्लोमा होल्डर की 1 है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की 18 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर की 26 है, वर्कशॉप अटेंडेंट की 45 वैकेंसियां हैं। कुल 258 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई है, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां दे दी गई है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन वगैरह आप उसमें से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी और OBC जो आपका सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली का ही चलेगा, बाहर के अगर दिल्ली से बाहर का अगर आपका OBC है तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएगा, तो जनरल कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, एक बार शॉर्ट में आपको फिर से जानकारी दे दी गई है कौन कौन सी पोस्ट यहां आई हुई हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बाकी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है।